हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनू परवेज व्लॉग। गुड मॉर्निंग। देखिए आज का व्यू हमारा ये है एंड बस इसके बाद हम आज बनाने वाले पनीर मसाला, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। ये उठ गए देखो दोनों बाप बेटे, बस चाय नाश्ता पानी हो गया और मैं आ गई किचन में। मैंने प्याज थोड़े से ऐसे सौते कर लिए, नमक डाल दिया था मैंने थोड़ा सा, इनको सौते कर लिया एंड फिर इसको निकाल के हम साइड में कर देंगे। और ये टोमेटो और काजू का हम पेस्ट बना लेंगे साइड में, और हमें प्याज का भी पेस्ट ही बनाना है। देखिए ये मैंने निकाल लिए। मैं इसी में ही जो मैंने वो पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी। टमाटर, थोड़ा मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दूँगी थोड़ा सा, और उसमें जो मैंने काजू और टमाटर का पेस्ट था वो डाल दूँगी। उसको अच्छे से हम पकाएंगे। देन उसके बाद साइड पे हम लोग पनीर को मसाला लगा के रख देंगे अच्छे से। ये देखो साइड पे हमने ये रख दिया है। ये मैंने ले लिया दही। दही डाल के हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। चाट मसाला, ये मेरे पास आमचूर मसाला था मैंने वो डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया एंड अदरक लहसुन का पेस्ट एंड थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च एंड हल्दी, धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया था जो था, ये मैंने थोड़ी रेड चिली पाउडर भी डाल दी, धनिया पाउडर भी डाल दी। और मैंने ना गरम मसाला लिया था जो पनीर टिक्का मसाला आता है उसका मैंने लिया था। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। पनीर टिक्का मसाला लेंगे ना तो टेस्ट और भी ऑसम बनता है इससे। बस ये देखो मैंने सब मिक्स कर लिया। ये जो मेरा पेस्ट बना था प्याज का वो अब हम इसमें डाल देंगे। ये पकता है तब तक हम यहाँ पे पनीर मैरिनेट कर लेंगे साइड पे। इसको अच्छे से हमें पकाना है। ये मैं साथ साथ फटाफट फटाफट करती ही रहती हूँ, तो होप आपको भी समझ में आए। प्लीज़ अगर कुछ लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना। देखो बस इसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी थी, मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो बस इसको स्टर करते रहना है एक साइड पे और इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये मिक्स होने के बाद हम यहाँ पे साइड पे कट कर लेंगे हमारे पनीर। स्लो गैस करके मैंने इसको पकने दिया। अब मैंने ये साइड पे पैन रख दिया फॉर द पनीर, जो मैं बराबर पनीर मैरिनेट करके इसमें थोड़ा बटर एंड तेल डाल दूँगी ताकि बटर जले ना ज़्यादा। हमें ऑलवेज़ ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अकेला बटर से हम नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा तेल रखना चाहिए, नहीं तो ना बटर पूरा जल जाता है तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसमें हम जो पनीर मैरिनेट करेंगे वो रख देंगे सारे ही, और पकाने के बाद में इसके ना छोटे 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 पीस करके डायरेक्टली मसाले में डाल दूंगी। हो गया हमारा पनीर मसाला। ये बहुत यम्मी लगता है और इसी मेथड से बनाओगे ना तो इतना टेस्ट यम आता है। मुझे तो बहुत पसंद था। आप बताइए आपको कैसा लगा। बनाना ज़रूर, आपके बहुत ही यम बनता है और क्विक बन जाता है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह टिफ़िन के लिए कुछ तो सोचना पड़ता है क्या बनाओ क्या बनाओ, तो मैं कभी कभार ये बना देती हूँ जो फटाफट बन भी जाता है। ये देखिए मैं इसको टर्न कर लूँगी, हमें थोड़ा थोड़ा ही पकाना है इसको, बस एक साइड से एंड दूसरी साइड से थोड़ा पका के बस इसी में मैं छोटे छोटे पीसेस करके डायरेक्ट इसमें, और जो मैंने दही वाला मसाला बाकी था थोड़ा वो भी मैंने उसमें डाल दिया, तो कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। इसको भी हम अच्छे से थोड़ी देर पकने देंगे। बस इसके बाद हम अब इसको इसमें
छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे। दैट्स इट। देखिए हमने कट कर लिए छोटे छोटे पीसेस। देखिए हमारा पनीर मसाला बन गया और बस इसके बाद हम निकल गए सैलून के लिए। लेकिन उससे पहले मैं गई थी यहाँ नर्सरी। ये आपको पता है मुझे नर्सरी दिख के मैं स्टॉप हो जाती हूँ, लेकिन मैं कहीं गई थी वराचा साइड, तो वहाँ पे मुझे ये नर्सरी मिली तो मैं स्टॉप हो गई। और वहाँ पे इतनी ह्यूज है ये, इतनी बड़ी है ये नर्सरी, और वहाँ पे हर एक प्लांट मिलता है, हर एक प्लांट, और मुझे ना काफ़ी रिजनेबल लगा यहाँ पे। तो मैंने सोचा एक व्यू ले लूँ मस्त वाला, और इतना अच्छा लग रहा था ना सीरियसली। मैं मॉर्निंग में नर्सरी में ग्रीनरी में घूमना, मतलब एकदम माइंड रिफ्रेश फ्रेश हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग मेरा ये मॉर्निंग का एक्सपीरियंस रहा है, तो सोचा आपसे भी मैं शेयर करूँ। बहुत ही सुपर्ब लगा मुझे, और मैं अभी ना जब भी यहाँ पे किसी भी काम से जाऊँगी लिए विजिट ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज है। यहाँ पे मॉर्निंग में घूमना मतलब, और ये छोटे छोटे इतने क्यूट लग रहे थे ना, बहुत ही प्यारे। बस उसके बाद कुछ नहीं, हम निकल गए हमारा काम खत्म करने के लिए, एंड काम हो गया, देन बैक टू सैलून। फिर हम आ गए सैलून पे। फिर सैलून में इतना कुछ शूट नहीं किया ज़्यादा, लेकिन शाम को शनाया का शूट था तो बस। और ये देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं ना, तो ये बस आपसे शेयर किया व्यू। और बड़ा अच्छा कि ट्रैफिक तो ना कसम से। ये देखो शनाया का शूट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर बड़ी मस्ती मजाक और कॉमेडी हो गई थी, तो बस यही थोड़ी सी क्लिप ले ली मैंने। उसके बाद हम चले गए घर पे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।